हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का डीजीडीडी के एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आप लोग सब बड़े होंगे, अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे। तो बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं मेरे दिमाग में, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में भी घूमे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले क्राइम सीन सिमुलेटर, नहीं क्राइम सीन क्लीनर। और वैसे इस गेम को मैं बहुत टाइम से धकेल रहा हूँ, मतलब मैंने कहा था कि हम लोग इस वाले गेम को खत्म करेंगे। और इस गेम का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है जिसका नाम है कोवालस की, जो कि क्रिमिनल्स की मदद करता है, उसका जो खून, उसका जो क्राइम उसको छुपाने में, जहाँ पर क्राइम किया उस जगह को साफ करने में, लाश को छुपाने में, और जो सबूत मिले है उन सबूतों को छुपाने में मदद करते है। इसके बदले कोवालस को पैसे मिलते है। लेकिन कोवालस की ये काम क्यों करता है? कोवालस की जिंदगी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। उसकी एक बेटी है, उसकी बीवी बहुत सालों पहले मर चुकी है, वो बस वो सिंगल फादर है। अब उसकी बेटी को भी एक बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके लिए इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अभी कोवालस की एक साधारण से छोटे से स्कूल की टीचर है, जो इतना पैसा नहीं कमाती कि वो अपनी बेटी का इलाज कर पाए, इसीलिए उसको मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। और एक बार आप अगर गैंगस्टर के साथ मिल जाओ, जो बेसिकली गैंगस्टर ही खून वून करते हैं ना, तो अगर आप एक बार गैंगस्टर के साथ मिल जाओ तो उस वाले दलदल से बाहर निकलना भी मुश्किल है। तो मैंने कहा था कि हम लोग कोवालस की जिंदगी के साथ खेलेंगे, मतलब जियेंगे और देखेंगे आखिर में क्या होता क्या है, क्या कोवालस के गैंगस्टर के हाथों से बच पाता है, क्या उसकी बेटी आखिर में ठीक हो जाती है, क्या होता है कोवालस के साथ। इसलिए हमको गेम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इस बार आज के वीडियो में जो हम लोग मिशन करने वाले हैं, वो मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दिमाग का भोसरा कर देगी, ठीक है। इतना ज्यादा मतलब बड़ा है तो इस जगह को आज हम लोग क्लीन करने वाले हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए मैं इन्हें गेम्स में कुछ ट्विक किए, जैसे कि मेरे जो बैग होगा जहाँ पर गार्बेज कलेक्ट होगा उसको मैं अनलिमिटेड कर दूंगा। जो पावर वॉश होगा, मतलब जिसपे पोछा मारते वो भी, उसका पावर भी अनलिमिटेड हो जाएगा। और जो पावर वॉश लीस का जो लेजेंड है, जो मतलब पानी मारते ऐसे, ठीक है, उसका भी पावर हो जाएगा, रेंज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी एक और छोटा सा टूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, जिसका नाम है इजी फर्नीचर प्लेसमेंट। इसकी मतलब इसकी मदद से जो प्लेसमेंट है सामानों का, वो वाला प्लेसमेंट बहुत आसान से हो जाएगा। मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर वो सामान रहेगा, किस तरीके से रहेगा, काम थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो ये है वो आर्ट वर्क, ठीक है, सामने देख रहे हो तुम। यहाँ पर एक वो है डायनासोर का कंकाल। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास बस 2 घंटे इसको कंप्लीट करने के लिए। वैसे तुम्हें पता नहीं ये वीडियो कितने टाइम का बनेगा, लेकिन मैं चाहूंगा इसको मिनिमम 30 मिनट के अंदर खत्म कर दिया जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी मामला क्या हुआ है वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता आगे धीरे धीरे पता चल जाए। 10 बॉडीज है और ये जितना छोटा लग रहा है उतना छोटा है नहीं गाइस, बहुत बड़ा है ये, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो आई थिंक हमें काम शुरू देना चाहिए, क्या कहते हो, है ना। मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ, तो हो सके तुम अगर मेरे वीडियोस हर दिन देखते हो, तुम्हें लगता होगा कि भाई एक दिन वीडियो आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, एक दिन नहीं आ रहा, एक दिन नहीं। इसका एक प्रॉब्लम है कि मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा आने वाला है। और जब भी दुर्गा पूजा आता है ना, उससे एक महीने पहले, उससे पहले वाले महीने में जिस दिन दुर्गा पूजा आएगा उससे एक महीने पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजली जाती है, मतलब दुर्गा पूजा में कोई प्रॉब्लम ना हो बिजली का, इसलिए जो लोग होते हैं बिजली को सही करती, इसलिए बिजली ज्यादा जाती रहती है। 1 घंटा रहता है तो 2 घंटे नहीं रहता, 2 घंटा रहता है 3 घंटे नहीं रहता, बहुत ज्यादा कट ऑफ होता है बिजली में, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। बिजली जब जाती है, नेट उड़ जाता है, पीसी कुछ नहीं चलता, तो भाई फ्रस्ट्रेशन तो होगा, इसलिए वीडियोस भी लेट आ रही है। एक बार बिजली सही हो जाए, एक बार दुर्गा पूजा चली जाए, फिर वीडियो हर दिन कंटिन्यू आएगी, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं गवाते, लेट्स गो, फास्ट से करेंगे। भाई इतना भी स्पीड था क्या अपने पास? मैंने बोला मैं इस पूरे के पूरे काम को मैं लाइट जलाता हूँ, इस पूरे के पूरे काम को मैं आधे घंटे में कंप्लीट करूंगा, उसके लिए मुझे सहारा तो लेना पड़ेगा ना। क्विक्स का ये बलून फटता है, तो कोई लाश मिली नहीं, 10 लाश है यहाँ पर, आई थिंक लाश है नहीं, बस जगह को सही से रखना है। ये देखो ऐसा हुआ क्या था मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं कहाँ रहेगा, बंद है अंदर। अब चीजें सही जगह, ओके, इसको साफ करना पड़ेगा ना,
साफ है, आई थिंक सो साफ है, बस चीजों को सही जगह पे रखना। ये कौन सा जगह है? मॉडर्न आर्ट मॉड्यूशन, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। ओके, ये जगह भी सही से रहेगा, ये डंडा ये भी सही जगह पे रहेगा, ये नीचे लाइट, ये द म्यूजिक सर्वाइव, आई थिंक सब कुछ सही है। ये कहाँ पर लगेगा ये? ओके, लग गया, यही तो मैं बोल रहा था ना, ये ट्विक सही है, जिसका जगह जहाँ पर होगा वो वहाँ पर रह जाएगा। यहाँ पे कुछ सामान रहेगी? नहीं, यहाँ पे भी आई थिंक कुछ सामान रहेगी, मुझे नहीं पता। ये देखो लॉस, ये देखो ये भी कहीं पर रहेगी, देखो गायब हो गया, कहीं पर तो जाएगी ना, जिसका जो मेन जगह है वहाँ पे ये चली जाएगी। ठीक है, यही होता है ट्विक्स, आई थिंक यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है, पता नहीं वो क्या है, खैर जो भी हो रहा है, मुझे क्या। आई थिंक यहाँ का काम हो चुका है कम्प्लीट, देखा इजी हो जाता है काम जब ट्विक्स लगाते हो। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक हो गया इधर का, और कुछ नहीं है। ये खून है क्या? आई थिंक ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा खून है, साफ करो। सही जगह, ये कारपेट वाला एरिया है, इसके अंदर कुछ तो है। ये क्या है, फालतू की चीज है, कुछ मतलब फालतू की चीजें है। मेरे पास बस 2 घंटे इसको कंप्लीट करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं है। फर्श तो मॉब से क्लीन हो जाता है, बस ये जो है ये फर्श नहीं, ये क्या कहते हैं इसको, जो भी कहो, ये ज्यादा जल्दी साफ नहीं होता। ओके, अंदर जाएंगे भाई, अंदर सीसीटीवी कैमरा सब कुछ जीला लग रहा है। ओ हाँ, मैं सेव मोड ऑन करके खेला, इसे लाल रंग लाल नहीं दिखेगा, मतलब खून नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है कोई होली खेल के गया, लेकिन असल में खून हुआ है गाइस, सीरियस मामला है, खून हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला है। मैं कर तो रहा हूँ फास्ट, मेरे को लेकिन देखना है कि यहाँ पर कुछ है तो नहीं। 32% ब्लड यहाँ से चला गया है, लेकिन और भी कुछ है। इतना खतरनाक जो मॉब मार रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इतना खतरनाक मॉब मारने के बाद यहाँ पे खून का दाग बचेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी नहीं है, छोटी छोटी खून के दाग रह जाते भाई, जितने भी तुम जोर लगा लो करेंगे पैसा की सारी रात। ओके, यहाँ का काम भी हो गया कम्प्लीट, अब चलते अंदर। यहाँ पे बाल्टी लगाने का जगह है, यहाँ पे वैसे इसको आई थिंक सही जगह पे लगाना है। ये देखा सही जगह पे लग चुका है ना। ये क्या है, देयर इज एन वीआईपी इवेंट प्लान फॉर टुमारो, काउंट इट वाज यू, डी ऑफ यू नीड टू टर्न एनीथिंग ऑफ है, टीच विल एबी केयर। मतलब इसको पता था, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसको पता था कि कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है यहाँ पे, और ये सारी चीजें पहले से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो इतना जो खतरनाक मौत हुआ है ना, ये कोई आम मौत नहीं है, डर जाते भाई लोग, ये कोई आम मौत नहीं है यहाँ पे जो मौत हुआ है, ये बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया, गैंग के बीच में मारा मारी हुई है यहाँ पे। अब स्टेज के सामने जो लाश है उसको देखते हैं, लाश का भी आई थिंक ट्विक है हमारे पास, इसके अंदर कुछ तो पैसे, ये क्या है, ये क्या है, पैसे है भाई, ले, और कोई पैसे है क्या, नहीं और कोई पैसे मेरे को इधर दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे ला, ये देखो ये सही जगह पे चले जाएंगे, देखा सही जगह पे चले गए, जिसका जगह जहाँ पर हो सही जगह पे चला जाएगा, वो कितना भी बड़ा चीज हो कि छोटा चीज हो फर्क नहीं। ओ भाई लाश गिरा, बरेली की बाजार में लाश गिरा रे, सब गिर रहा है। मत ये देखो भाई, किसी डायनासोर का हड्डी यहाँ पे पड़ा है, और मुझे कैसे पता कौन सा डायनासोर है और डायनासोर कहाँ है, ये लाश है वैसे, इसको रखना पड़ेगा। ये चालू हो गया यार, क्या चीज चालू हो गया, डरना नहीं गाई, डरने की कोई बात नहीं, देखो ये वाला सामान भी यहाँ पर पड़ा हो, इसको भी सही जगह पे रखना पड़ेगा। ये पहला लाश गया जगह पर, ओके इसको पहले साफ करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको कहीं पर तो रखना पड़ेगा, मेरे को वैसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्विक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखो मिल चुका है गार्बेज बैंड, हाँ गार्बेज बैंड ही है भाई, तुम्हें लग रहा मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं गार्बेज बैंड है, नाम ही इसका गार्बेज बैंड है। ये देखो गिरा ही है, ये कहाँ पर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बस 2 बार क्लिक करने से चला जाएगा। देखा ये इसके हाथ में आ चुका है, इसके हाथ वाला गिटार मुझे नहीं पता कहाँ पे जाएगा, ये वहाँ पर जाएगा, वो वहाँ पे जाएगा, आई थिंक यहाँ पे और कोई सामान है नहीं ना, तो कोई एविडेंस है क्या, हाँ ये साथ में गिटार बाद में आएगा, ये वाला गिटार कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है। अरे यार चुप हो जाओ यार, तुम लोग क्या भसर मचा रहे हो यहाँ पे तुम लोग, इसके हाथ वाला गिटार कहीं और पड़ा हुआ है, आई थिंक यहाँ का काम हो चुका है कम्प्लीट, निकलो जल्दी निकलो। ओके यहाँ का काम हो चुका है कम्प्लीट, ठीक है, यहाँ पे उसके हाथ में गिटार है, था लेकिन वो गिटार यहाँ पर नहीं है, कहीं और है, एक और लाश पड़ा हुआ है, साफ करो पहले। यहाँ पे इतने सारे चीजें है ना, इतनी सारी चीजें, मैं क्या बताऊँ, अगर हम लोग ट्विक्स का इस्तेमाल ना करें ना, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, इसको
क्लीन करते करते इतना ज्यादा मतलब समझ लो इतना ज्यादा सामान ही है तो वो किसी ना किसका हड्डी पड़ा है, मेरे को कैसे पता किसका हड्डी पड़ा है, लेकिन इस ट्विक्स की मदद से इसका भी हड्डी है उसके जगह पे चला जाएगा। ओके दूसरा लाज भी मेरा कम्प्लीट हो गया। इधर किसका डंडा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे को थोड़ी पता है किसका डंडा है, वो तो दिखाई नहीं अभी तक। इसकी कहाँ डंडा, ये देखिए डंडा जिसका डंडा उसके जगह पे चला जाएगा, ये इसका डंडा है इसके जगह पे चला गया। ठीक है गीगा चैट, यस ये लॉयन की मूर्ति भी सही जगह पे रह गई, साफ हो गया ना भाई तू अब सही जगह पे जा। ये देखो ये जगह यहाँ पे इसके ऊपर कुछ था नहीं है, इसके ऊपर कुछ था नहीं है, मुझे कैसे पता क्या रहेगा, इसके ऊपर भी कुछ था नहीं है। ये मुंडी भी सही जगह पे होगी, इसकी जगह यहाँ पे है, इसकी जगह पता नहीं कौन सा है, जिसका जगह जहाँ पर थे वो चला गया वहाँ पे। ये जगह भी साफ हो चुका है, ये दरवाजा ओ हो भाई इसके अंदर तो और भी चीज है, यहाँ पे और कुछ नहीं है ना, ऊपर है, ऊपर जाएंगे बाद में। चलो देखो इसके ऊपर भी कुछ रहना चाहिए, नहीं है यहाँ पे क्या है, अरे लाओ खुल जा, अरे खुल जा दरवाजा बे। अच्छा इसके ऊपर भी कुछ आना चाहिए, नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ आना चाहिए, नहीं है, समझ रहे हो इतना की घटिया जगह है यहाँ पे। अब ये वाला जगह है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, ऊपर तो वो वाला बंदा है, इधर भी देखो ओहो किसी का मूर्ति किसी की जान यहाँ पे आ चुका है। ये क्या है बटन, ओ हम लोग इसका आवाज भी सुन सकते हैं, क्या रैप्टर है क्या ये, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है लेकिन इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। आई थिंक यहाँ पे और कुछ नहीं है, ऊपर भी जाने के लिए जगह है, मैंने बोला था नहीं बहुत बड़ा है भाई, ये पैसे है उठा लो। नॉर्थ एग्जीबिशन है, ओहो ये क्या है, तो कंप्यूटर है, बहुत कुछ हो मसला हुआ है यहाँ पे खतरनाक वाला। ये क्या है, नीचे जाएंगे पहले इधर देख लेते, ओके आई थिंक ये ऊपर वाला जगह है ना, इधर डंडा है थोड़ा। ये देखो ये किसका डंडा है मुझे नहीं पता, इसका डंडा है, इसके ऊपर भी एक डंडा था, अब डंडा कहाँ है। तू करते हो यार तुम लोग मेरा काम बढ़ा दो, $14,000 मिलेगा मेरे को, $14,000 भी कम है इसके सामने, ज्यादा ये कह सकते हो $14,000 बहुत ज्यादा है, $14,000 मिलने वाले मिलेंगे तो कोबालस्की को, मेरे को क्या। ये देखो ये भी किसी जगह पिक्चर यहाँ पे रख दिया, लगे उसके जिस जगह पे जाना था वो चला। ये देखो इसे कि ये किसी का हड्डी किसी की जान यहाँ पे पड़ा है, चल जे जिंदगी दोबारा मत दियो इसे, गिरा भाई गिर जा। ये कहाँ चला गया भाई, ये इधर का जगह नहीं है कि और का है, तो इधर का है। ये देखो यहाँ पे कोई पिक्चर था आया, ये वाला भी कई और जगह का था, हाय राम। ये देखो ये भी किसी का पिक्चर है, ये आई थिंक उस वाले जगह का था ना, नहीं इस वाले जगह का पिक्चर अभी भी यहाँ पे नहीं है। ये देखो ये चेयर भी किसी का चेयर कहाँ का है जान, तो इधर एक रूम है ठीक है जहाँ पर इस कलर के सामान मिलते वाले जगह का है। अरे यार साफ किए बिना ही मैंने भेज दिया उसको, साफ करके भेजना चाहिए था। खैर ये है क्या, ये भेज सकते हो क्या मैं इसको। ये देखो यहाँ पर भी एक पिक्चर था, पता नहीं कौन सा पिक्चर था, ये वाला था आई थिंक, नीचे भी एक गिरा। भाई यार तुम लोग क्या करते हो यार, ये वहाँ का पिक्चर था, ये देखो यहाँ का पिक्चर भी गायब, इसको भी ढूंढना पड़ेगा। मैंने बोला ना यहाँ पे साफ ये वाला जगह इतना मुश्किल है, अगर ट्विक का इस्तेमाल ना करोगे ना भूल जाओ तुम आज इस गेम को कंप्लीट करने वाले, मतलब इस वाले जगह को। ये पता नहीं कहाँ का था, खुल जा भाई। कैफेटेरिया है ये, पता नहीं कहाँ का है, यहाँ पे यहाँ का ही है ये सही जगह पे अभी नहीं जा गया। मत तोड़ो यार मत तोड़ो, हम सब टूटो मत यार तुम लोग, प्लीज टूटो मत, मैं साफ ही नहीं करूंगा तुम लोगों को, टूटो मत, यहाँ का लाइट भी नहीं है। ये भाई तुम लोग जहाँ के हो वहीं पर, ये देखो ये डंडा यहाँ का ही है, मुझे लगा ये डंडा वहाँ का है। जहाँ पे जाओ जहाँ पे जाना चाहते हो जाओ वहाँ पे, यहाँ पे मत रहो। ये क्या है पैसे, यहाँ पे भी एक टेबल था, पता नहीं वो टेबल कहाँ पे है, यहाँ पर भी ये टेबल वहीं का ही है, ये अब अपनी जगह पे जाएगा ही नहीं। ओके कचरा सारा क्लीन हो गया इधर का, बस यहाँ पे एक टेबल है पता नहीं कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पर जो एक टेबल है ना, ये पता नहीं ये लोग कहाँ घुसा के रख दिया है, देखो याद रखना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे एक टेबल था, कहीं पर तो है, वहाँ से तो लाना पड़ेगा। इसी दिन के लिए क्या पैदा हुआ था मैं, ये टेबल ढूंढ के लाऊ, मैंने बोला रहन दो इसका टेबल उसी की उसको ही रहने। ये देखो ये वाला चेयर है, वो ये आ जा भाई चेहरे की जो भी आ जा, ये आ गया कहाँ आया, यहाँ पे आया। यहाँ का टेबल अभी भी गायब है, मतलब चेयर अभी भी गायब, इधर का ये गायब है उधर का वो गायब है, दो होना चाहिए था इधर, हो गया इधर का हो गया। आगे बढ़ो। ये देखो ये कहीं का तो होगा, ये भी कहीं का तो होगा। ये देखो यहाँ पे एक था ना, मैंने बोला था ना यहाँ पे एक था, अभी नहीं मिला, देखो अभी आ चुका है। अब साफ करते नीचे वाला सामने, देखो ये वहाँ पे पता नहीं कहाँ पर रहने वाला पिक्चर यहाँ पे आके पड़ा हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा सामान रखने के टाइम की, सामान पहले क्लीन करना होगा फिर रखना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे डायनासोर की जो
खा रहा है। मरा हुआ डायनासोर मरे हुए इंसान को खा ले, डायनासोर को साफ कर लेते हैं, साफ हो जाए डायनासोर साफ हो गया। इसको देखते ये चाकू है, मुंडी हिल रहा है। अरे लाश यार, ये आ गया अपना तीसरा लाश, तीसरा है ना। हाँ ये देखो, ये जान तो किसका है, ये यहाँ का है, चला गया। वही मैं बोल रहा था यार, पहले साफ सफाई, ये देखो ये वाला पिक्चर ही पता नहीं कहाँ का है, यहाँ पे रखा हुआ है। पहले साफ सफाई करो फिर अपनी जगह पे रखो। ये कौन सा दरवाजा है, ओ माय गॉड, ये तो कांच का भूलभुलैया है, कांच का भूलभुलैया। तू साफ है ना भाई, तू साफ है ना, जा अपनी जगह पे जाए, यहाँ पे मुंह ना लगा। साफ हो जाओ यार, हड्डियों कंकालों सब हो जाओ। मेन हॉल की भी साफ सफाई करनी बाकी है, जहाँ से तो हमने शुरुआत हुई, ये वाला रूम। ये देखो यहाँ, ये उस यहाँ पे एक जगह है, वहाँ का डंडा है ये डंडा जो अभी यहाँ पे, पे क्या सबूत है, यहाँ पे गेम चल रहा था क्या? गेम रूल्स है, मॉडर्न आर्ट नाइट पेंटेड विद ब्लड, लास्ट मैन अलाइव विंस, ओनली वन विनर क्लेम्स द प्राइज, यू कैन नॉट सरेंडर, यू कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड, यू कैन नॉट यूजिंग फाउंड द बिल्डिंग, यू कैन फाइंड द सप्लाई बॉक्स। ओ अच्छा, वो सप्लाई बॉक्स था, वहाँ पे कुछ तो था। यू कैन यूज इट कॉन्टिनेंट कॉन्टेंट्स, यू विल गिव लीड टू डिफरेंट स्टार्टिंग लोकेशन, द गेम स्टार्ट ऑन ए सिग्नल, यू कैन नॉट लीव द बिल्डिंग, यू कैन नॉट एंटर ए वीआईपी जोन। भाई साहब, यहाँ पे आई थिंक कोई मौत का खेल चल रहा था, ठीक है, जो कि एक गेम टाइप का था, मतलब जिंदगी वाला गेम, जो जीतेगा उसको एक भयंकर प्राइज मिलेगा, जैसा वो था ना, क्या नाम था उसका, स्क्विड गेम, उस टाइप का ही कुछ था यहाँ पे चल रहा था। सब लोग मर के फूक गए, मेरे को साफ सफाई करनी। यहाँ पे था म्यूजियम क्वार्ट्स, म्यूजियम गेम, ये म्यूजियम गेम। तो ये लोग यहाँ पे आए बर्थडे मना के चले गए, और तुम यहाँ पे बर्थडे की साफ सफाई कर रहे हो। ये लोग यहाँ पे किसी का अंडा, आज भाई किसका अंडा है, तू बे डायनासोर का अंडा पड़ा हुआ है, अंडा जा अपनी जगह पे जा। ये देखो ये कोई और का था, यहाँ पे बस अंडा था, ये कौन सा प्राणी है? अच्छा अच्छा, प्लेसोसॉरस है, मैंने आर खेला है ना, हमें पता है, तो लोग आर के प्लेयर से उन्हें पता होता है, डायनासोर देख के बता देगा भाई ये कौन सा डायनासोर था। और जो लोग वैसे पबजी मबजी और फ्री फायर खेलते उनको पता होगा, देखिए हाँ ये गन ये था, ये गन ऐसे चलता, गेम के अद्भुत फायदे। ये माछ की, माछ बोलगा यार, फिश का वो है माछ। ये देखो ये भसु का पिक्चर था, कहा चला गया। ये देखिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये नाम भूल गया मैं। हाँ उन्हें नाम पता होता है, आर्क वालों को नाम पता होता है, लेकिन आर्क वाले कभी कभी भूल भी जाते हैं। भाई देखो तो और एक डायनासोर फंसा के रखा है, ओ माय गॉड, एक किसी की मुंडी लुढ़क रही है, भाई अपनी मुंडी लेके जाओ। डायनासोर आवाज भी करता है, सुन लो आवाज। तो इस तरीके के चेस थे, यहाँ पे खाना पानी दाना पानी था, लेकिन मेरा क्या भाई, मैं चेस टॉय गन। वो लाश है यहाँ पे एक महिला की, भाई वो महिला कैसी हो, खैर महिला का किस्मत खराब था, महिला गेम जीत ना पाई। लोग महिला के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाएगा ना तब रखेंगे। ये आगे हमारी चौथी लाश, ये किसी का मुंडी, किसी का मुंडी, किसी की जान। आई थिंक यहाँ पे और कुछ नहीं है, आई थिंक सो यहाँ पे और कुछ नहीं है पूरा। ये कौन सा डायनासोर है पता नहीं, खैर जो भी डायनासोर, यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। इस वाले जो को देखते हैं, अबे तो सबसे खतरनाक एक कचरा है, अरे यार कचरे सारे के सारे कचरों के एक ही बार में उठा लूंगा बे। ये ट्विक का कचरे का डिब्बा है, ओरिजिनल कचरे का डिब्बा होता तो नहीं उठते, ट्विक वाला कचरे का डिब्बा यहाँ टूट जाएगा, सारी चीजें एक ही बार में। आई थिंक हो गया, मैक्सिमम चीजें एक ही बार में उठ के आ गई, सारी चीजें नहीं आई। कितनी लाशें हैं यहाँ पे सांबा, कितनी लाशें हैं, 2 लाशें हैं। ये देखो किसी का हड्डी है यहाँ पे, किसी का डायनासोर, किसी की हड्डी। ये क्या है, सीधा शॉट घुसा के रखा है भाई। ये देखो इसके पिछवाड़े में भी काटाना, ये शॉट नहीं काटाना है, आए आए शॉट निकालते लड़की तो झूम गई। लाश झूमे झूमे, लाश झूमे, ये है 5वीं लाश, ये रहा 6वीं लाश, और भी 4 लाशें है अभी तक। इसको साफ करो सबको, टीवी है पुराने जमाने वाला, टीवी के अंदर से डंडा निकल रहा है, आप क्यों नहीं होता होगा, ये मेरे को दिखा क्यों। ये देखो 2 डक स्पाइडरमैन बना, ऊपर वाला स्पाइडरमैन है, नीचे वाला वो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है जो उसको मिली नहीं, खैर वो इधर जो सबसे पहला वाला स्पाइडरमैन है तो उसकी तरफ है, ऊपर से ऐसे लटक के ये नीचे से। ये देखो यहाँ पे एक डंडा पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं किसका डंडा है, जिसका डंडा है वहाँ पे चला गया। ओके सारे के सारे डंडे क्लीन हो गए, अब नीचे फर्श, आयो नोड़ा, ऊपर जाने का भी रास्ता है, ये कहाँ पे रहेगा।
मुझे लगा था ये टूट क्यों नहीं रहा, अभी तो टूटेगा। ओके बस ये पेंटिंग बचा है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। इसको आई थिंक मेरे को पानी से क्लीन करना पड़ेगा। ओके ये वाला जगह भी क्लीन हो चुका है और सारा का सारा सामान भी रख चुका है ना। कलेक्ट एविडेंस C25। और कौन सा एविडेंस है भाई, और कहाँ एविडेंस है? ये डक है क्या एविडेंस? डक को छूना मना है। ये देखो ये डंडा किसी और का है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओ भाई वो देखो यार, डायनासोर की हड्डी घुसा दी उसके पेट में। हाय राव, ऊपर चलो ऊपर चलो, ऊपर देखते। यहाँ से हम लोग आए ऊपर और ऊपर एक दरवाजा, ये रेड रूम है। अच्छा वो वाला जगह है। ये क्या है? सीडी डीवीडी। रूमा 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 लुलू सुसाइड का रूमा। ये क्या है? बेटर लक नेक्स्ट लाइफ। बेटर लक नेक्स्ट टाइम नहीं, बेटर लक नेक्स्ट लाइफ। अरे यार यहाँ पर भी किसी का लास्ट पर। अच्छा यही तो है जो उधर से देखा था, नहीं इधर किसी घुसा दिया, यही है घुसने वाला। ये डायनासोर का हड्डी सबूत है क्या या फिर नहीं? ये सबूत नहीं है। गए भाई, मेरे को लगा ही था कि पहले साफ कर लेना चाहिए था डायनासोर का हड्डी, फिर भेजना चाहिए था। ये में कुछ है तो नहीं, एक बार नीचे उतर जाऊंगा तो आ नहीं पाऊंगा बाद में ऊपर। इधर लास्ट के ऊपर लैंडिंग हुई भाई, लास्ट बचा है जिंदगी। ये आगे अपने साथ विलास, यहाँ भी आई थिंक पानी मारना पड़ेगा। और कोई कुछ है ऊपर? दरवाजा खुला हुआ है, बाकी लास्ट लास्ट तो नहीं है। ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। ये जिस जहाँ का था वहीं पे चला चुका, चल गया है, चला गया है। दरवाजे के पीछे क्या है? दरवाजे के पीछे दीवार। ओ ये अभी बाथरूम है, इसके पीछे। ओह ये क्या है? कैश, द गिफ्ट ऑफ गिल्ट। ये बंद हो जा दरवाजा। ये कहाँ गया? ये दरवाजा बंद किया, ये कहीं और प्रकट हो रहा हूँ भाई। अच्छा ये दरवाजा मेरे को दीवार के साथ कहीं और लेके जा रहा है। बढ़िया है बढ़िया है, गुड। ये क्या है? साबुन। ये साबुन का पानी, पानी का साबुन, बाथरूम की पानी, पानी का बाथरूम, बाकी और कुछ भी नहीं है। दरवाजों का खेल खत्म। अच्छा ये देखो, ये वो एक्सटिंग्विशर जिसको साफ किए बिना इसके अंदर रख दिया था मैं, और साफ भी नहीं कर पा रहा हूँ। साफ हो क्यों नहीं रहा? ये कौन सा दरवाजा? ये किसी का हाथ है, हड्डी है, हड्डी जानवर की हड्डी। ये हड्डी पता नहीं किसकी, मैं अब देखने जाओ किसका हड्डी है। हाँ तो यार आए हाय, एक और चेयर कहाँ गई है? दो दो चेयर था ना, तो यहाँ पर है। नहीं वो चेयर कहीं और का था, यहाँ पे दो दो चेयर थे, एक और चेयर कहाँ गया? अरे एक चेयर के ब्लैक रूम में चला गया। वो दो दो चेयर ही तो था, कहाँ गया एक और चेयर? ये वाला रूम सबसे घटिया है, सबसे घटिया है ये वाला रूम। तो जिंदगी निकल जाएगी साफ करते वो सब गिर रहा है भाई, सब गिर रहा है। ये देखो ये पता नहीं किसका है, यहाँ पे आके लटक गया। ओहो कोको कान बंद हो जाते, सब गिर रहा है, सब गिर रहा है। चिंता मत, उठा देंगे भाई, सब को उठा देंगे। स्केटिंग सब जगह हो गया, मतलब सब सजाना हो गया, तब सब साफ हो गया, चीजों को सही जगह पे रखते हैं। जा भाई अपने जगह पे जा, अपने जगह पे जा, तू भी अपने जगह पे जा, अपने जगह पे जा, जा अपने जगह पे जा, अपने जगह पे जा, अपने जगह पे जा, अपने जगह पे जा, जा लटक जा ऊपर। यहीं पर ही था क्या? सब लोग अपने जगह पे चले गए, तो बस एक चेयर है ठीक है। ये यहाँ पर था ना, ये वाला चेयर कहीं और है ठीक है। ये वो वाला चेयर इधर भी एक मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है। आई थिंक अभी बाकी सब ठीक है, बहुत सारे चेयर मिसिंग, ये चेयर कहीं और से मिलेंगे। मैंने इसीलिए बोला था भाई ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये काम बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ट्विक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भूल जाओ कि ये वाला तुम कभी कम्प्लीट कर पाओगे। सालों लग जाएंगे, सालों, महीनों, महीने बाद में, सालों पहले लग जाए। इसके अंदर क्या है? वो देखो बाथरूम में किसी की हड्डी पड़ी हुई है। यार चिंता मत करो, हर जिसकी जगह जहाँ पे उसको वहीं पर रखेंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत रखो, जितना मत करो। गेमिंग सेटअप बना है यहाँ पे, ये देखो ये मुंडी हड्डी। जा भाई हड्डी अपने जगह पे जा, इसे सही पर जगह पर रखते। अब ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अरे जा भाई अपने जगह पे जा, कल पे निकल तो अपनी जगह पे जा। यहाँ पे बहुत सारे चेयर थे, ये भी चेयर था, ऊपर भी एक डंडा है, ऊपर भी एक चेयर है। रुक जाओ पहले इसको सही जगह पे रखता हूँ, फिर ऊपर चलता हूँ। ऊपर है लास, ये सो रही है क्या? गुड नाइट मैडम, हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी ड्रीम। लास्ट तो साफ होता रहेगा, लास्ट तो अपनी जगह पे जाता रहेगा। और कुछ नहीं है ऊपर, सब कुछ ठीक है, ऊपर सब कुछ ठीक है, ऊपर सब कुछ ठीक। बस यहाँ पे एक गेमिंग चेयर होना चाहिए था जो कि अभी नहीं है। ये वाला चेयर पता नहीं कहाँ का था, गेमिंग चेयर पता नहीं कहाँ है। ये लास यार, ये रहा हमारा 18वां लास। ओके चलो, हमने पूरा का पूरा घूम लिया है, अब बाकी है सामने का क्लीन करना।
ये पिक्चर ही पता नहीं कहाँ की है, यहाँ पे आके रुक चुकी है। अब बड़ा पाए में बड़ा डायनासोर को, बड़ा डायनासोर का मुंह खुल के नीचे आ गया ये देखो। और वहाँ पे जो दो चेयर ऊपर थे ना उसमें से एक चेयर तो यहाँ पर है, डायनासोर का मुंह लग चुका है। डायनासोर आवाज कैसे करता है ये वाला डायनासोर? अच्छा रेक्स है ये, देख के ही लग रहा है रेक्स है, छोटे छोटे हाथ देख के लग रहा है ये रेक्स है। हाथ कहाँ है? एक हाथ तो है ही नहीं इसके पास। और कुछ बचा है क्या क्लीन करना? अच्छा तो है, लग रहा है ये वाला बच चुका है। हाँ ये वाला लग चुका है भाई, ये वाला बच चुका है, ये वाला बच चुका है। ये क्या है? अरे ये वो है क्लीनिंग करने वाला, ऐसे पूरा चल। और ये वो क्लीन करने के क्लीन तो किया नहीं के, बस गंदगी और फैला रहा है। ये देखो ये वाला एक चेयर है, जा भाई अपने जगह पे जा। ये देखो ये किसी का लाश है भाई, इसको गोले के भाई इसके इसको गोले के अंदर बना, मतलब कांच के उसके अंदर क्या कहते हैं, कांच के डिब्बे के अंदर ठोका है इसको। अब इसका कांच का डिब्बा के अंदर घुसू कैसे मैं? ये को कांच वाला भूल भुलैया है। ये क्या है मर्सिडीज का? ये क्या है? यहाँ पे सब लोग हड्डी से क्यों मार रहे हो यार? जो जानवर बहुत पहले लटक चुका है ये, आई थिंक पता नहीं डिफेंस कहाँ से लाया, महिला नहीं पुरुष है ये। कि ये आ गया वरना नौ वाला आखिरी एक और लाश है। मेरे को तो ये भी पता नहीं, मेरे को तो ये भी पता नहीं और कोई जगह है कि भी नहीं। यहाँ पे जगह पूरा क्लीन हो गया ना? हाँ ओके, ये जगह पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। ये क्या है? लाइट है। चलो ये अच्छी बात है, जगह क्लीन हो गया पूरा का पूरा, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस एक और बॉडी। और यहाँ पे एक मिसिंग कुछ है, इसके अंदर जाया भी नहीं जा सकते इस चीज के अंदर। ओ भाई साहब पैसे देखो, पैसे ही पैसे। और कुछ है यहाँ पे भाई? पूरा घूम लिया यार, और लाश कहाँ पर है? मुझे तो और कुछ भी नहीं दिख रहा है, और लाश कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पे तो ये डब्बे, पता नहीं ये डब्बे कहाँ पर है। ओ ये वाला जगह तो मैंने देखा ही नहीं, ये कौन सा जगह है? आए? अच्छा ये तो वो जगह है, ये देखो वो वाला चेयर, इसको तोड़ना पड़ेगा। खुल जा सिंग सिंग। ये वाला जगह बचा, मैंने देखा ही नहीं। यहाँ पर एक लाश है। हाँ टूट जा, सब टूट जा, हालो टूट जाओ सब, तुम लोग टूट के बिखर जाओ। ये पता नहीं कहाँ का है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। जा भाई अपने जगह पे जा, लोकेशन क्लीन। इधर तो थोड़ा ज़्यादा ही पैसे पड़े यार। अच्छा अच्छा यहाँ पे हम लोग, अरे किसा कंप्यूटर टूट के पड़ा है यार, बाद में देखता हूँ, बाद में कचरा वचरा बाद में देखता हूँ, पहले ये वाली सफाई कर लेते हैं, फिर कचरा वचरा मैं एक ही बार में सब निपट लूंगा। फिर सब तो लास्ट यहाँ पे लास्ट, ओके लास्ट भी हम लोग एक ही बार। ये देखो वो गिटार, ये देखो वो गिटार जो उस म्यूजिशियन के हाथ में होना चाहिए था। अरे साला सुधा सुधा किया, सब टूट के निकल दूंगा आज, मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, सब टूट दूंगा। ओ, पैसे पैसे वगैरह अपने पास आ जाओ। ओके सब कंप्लीट हो गया, चलो सारे क्लीन हो गए, मतलब अच्छा मारने का सब काम कंप्लीट हो गया। अब पैसे जो गिरे उसको उठाना पड़ेगा बस। लाश कोई इज्जत ही नहीं है भाई, लाश के ऊपर से ही मैं आ रहा हूँ, आ जा कर रहा हूँ। नो इज्जत फॉर लाश, लाश यार तू ऐसे ही पड़ा रहे, वैसे भी तो मर चुका है, तेरे को इज्जत दे के मेरे को मिलेगी क्या? चलो मैं ये बोल सकता हूँ लाश की आत्मा की शांति कामना कर सकता हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकता। चलो हो गया, अब बस जिसका सामान जहाँ पे भाई तू चला जा, ये चेयर जा। वो अच्छा ये चेयर तो वही वाला चेयर था, गेमिंग चेयर। हाँ लास्ट तेरे को मैं बाद में देखता हूँ, पहले जिसकी जगह जहाँ पे है ये वहाँ पे क्या कर रहा है? जा भाई, ये टेबल्स के हवा में उड़ रहा है। लैपटॉप की कोई जगह नहीं है यहाँ पे भी, देखो वो वाला यहाँ पे एक और दो दो टेबल था, यहाँ पे बस एक ही टेबल है। लैपटॉप क्या, लैपटॉप में चल क्या रहा है? लैपटॉप तेरे के अंदर क्या है? गेम हैज एंडेड। अच्छा अच्छा गेम हैज एंडेड, इसके अंदर भी सेम लिखा है। हाँ गेम हैज एंडेड। ओ यही तो वीआईपी वाला जगह है, ये देखो कितने लोग थे यहाँ पे, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पे मोबाइल है, यो जिसने गेम खिलवाया है। बिजी टू नाइट, टेक्स्ट मी इफ एनीथिंग हैपेंस, कलक देन आई विल कीप यू अपडेटेड। क्राइम कॉइन इज सडनली राइजिंग इन वैल्यू। अच्छा इन लोगों का कुछ क्राइम कॉइन भी था। आई एम टेलिंग यू इट्स गोना स्काई रॉकेट सून बॉस। हेलो कैन आई बाय इट बॉस, इट अर्जेंट आंसर प्लीज। अच्छा क्लार्क भी क्राइम कॉइन खरीदना चाहता था, तब इन लोगों का प्लान था क्राइम बढ़ा के क्राइम कॉइन का जो वैल्यू है उसको बढ़ाना। पैसे दे दे। कौन कौन था यहाँ पर? हारे मर गए, जीता कौन?
निकोल डेड, पैसे भी है इनके नाम पे, ये लैरी हिलारी के तो $9 हुए हैं। जीता कौन? इसके पास जैसे दो दो टेबल है, इन लोगों के पास दो दो टेबल होने चाहिए थे। यहाँ पे और कोई सामान है जिसको अपने सही जगह पे जाना है? हाँ, ये वाला सामान, ओ ये वाला चेयर। तो आई थिंक जितने भी टेबल यहाँ पे था मैंने लगा दें। यहाँ पे दो दो है, यहाँ पे भी दो दो है, यहाँ पे पता नहीं दो टेबल क्या कर रहे हैं। चलो यहाँ का सारा काम कम्प्लीट, मूव द फर्नीचर। थोड़ा यहाँ पे और है, पता नहीं कहाँ है, कौन सा है, तो कहीं पर भी कोई फर्नीचर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बस एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे बस एक चेयर है, यहाँ पे एक चेयर गायब है। तो चेयर मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा है, कहाँ है चेयर का? चेयर उसके पास ही है, और कोई चेयर मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा था। खैर आई थिंक सारे काम हो गए, ये आखिरी लास्ट है हमारा। यहाँ के 28 फर्नीचर थे, हमने 27 फर्नीचर तो लगा दिए, एक फर्नीचर पता नहीं कहाँ मर रहा है। मैंने ट्विक का इस्तेमाल किया फिर भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बचा हुआ है, दोनों के हाथ में गिटार तो आ चुका है, लेकिन ट्विक का इस्तेमाल करके भी देखो बचा हुआ है। ये इतना मुश्किल है कि ट्विक का इस्तेमाल करके भी तुम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब मैं तो नहीं कर पाया भाई, ये इतना मुश्किल था। पता नहीं और क्या है, टू मिसप्लेस्ड एग्जीबिशन, पता नहीं भाई कहाँ घुसा के रखती है हो ये लोग। ये क्या है, मुझे नहीं लगता जो मिसस्पेल्ड हो चुका है मैं उसको सही कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। हर जगह कुछ ना कुछ रह चुका है। चलो गाइस कोई बात नहीं, पर कम पैसे मिले हम लोग सह लेंगे, लेकिन इतना दिमाग में प्रेशर हम लोग नहीं रख सकते। हम लोगों से जितना हो पाया हमने कंप्लीट कर दिया है गाइस, और कुछ बचा नहीं है। मतलब तो बचा भी है तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ का पिक्चर बचा है, पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने अपना पिक्चर, ये वाला ना पहले रख दिया, अब कुछ भी नहीं है। चलो गाइस वो गाय खत्म करते हैं, लेट्स गो। अरे हो गया, क्या हो गया, लेट्स गो। ये लोग मरो यार, मेरे को जितना करना था मैंने कर दिया, एक घंटा लगा, 1 घंटा 4 मिनट। ब्लड 100%, ट्रैश 100%, फर्नीचर 100% नहीं होगा, 98%, ठीक है, इम्प्रेसिव तो है। ओके 10 में से 1 क्या बेट्स, ये बेक बेट्स नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, 97% हो गया। मनी पूरा नहीं मिलेगा, 97% के हिसाब से मिलेगा $14,000 टोटल। जो मेरे को और भी एक्स्ट्रा पैसे मिले ज्वेलरी डैब, उनसे मेरे को और $6,620 टल। और सीक्रेट के नाम पे भाई जो है, जो मेन काम है वही नहीं कर पाए, सीक्रेट ढूंढना तो अलग बात है। गाने कितने मिले? एक गाना नहीं मिला, बस सीक्रेट तो मिलेगा ही नहीं। घर पे आ गए, कुछ और काम है क्या? बस सोना है। तो भाई आज का वीडियो हम लोग यही बड़ी खत्म करते हैं, ठीक है। हिंदी प्लस की जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बाकी अभी बहुत सारे मिशन हमें करने हैं। तो गाइस उन लोगों के वाला वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद नहीं तो वो लाइक करना, चल मैंने वो सब्सक्राइब करना, और मेरे को बता के, और मैंने यार बताना अगला वीडियो देखो, अगला वाला जो काम होगा वो अगर आसान होगा तो हम लोग ट्विक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, इतना खतरनाक होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मिलते हैं इस वाले वीडियो में, टिल देन।